तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो टॉपिक पे, एक अच्छी खबर निकल के आ रही है और एक बुरी खबर निकल के आ रही है। तो सबसे पहले हम अच्छी खबर की बात करेंगे कि आज के डेट में पबजी मोबाइल जो है क्रॉफ्टन से जो है मर्ज हो चुका है, अब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इंडिया में। तो और एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि पबजी मोबाइल सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे देखने को नहीं मिलेगा, वो डायरेक्ट आपको पबजी मोबाइल के ऑफिशियल पेज पे मिलेगा जो अभी उन्होंने इंडिया में क्रिएट किया है। तो आप वहाँ से पबजी मोबाइल डाउनलोड कर सकते हो जब वो पबजी मोबाइल इंडिया में लॉन्च होगा। और एक बुरी खबर निकल के ये आ रही है कि इनसाइड स्पोर्ट की तरफ से कि पबजी मोबाइल को जो है गवर्नमेंट अभी अलाउ नहीं कर रही है, उनके क्या इश्यूज़ हैं वो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। और जितने भी बंदे डिसलाइक करते हैं यार, उनसे मेरी यहाँ रिक्वेस्ट है कि कृपया डिसलाइक ना करें। अगर लाइक नहीं कर सकते तो डिसलाइक भी मत करो, अगर नहीं देखना हो तो वीडियो छोड़ के जा सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये प्रूफ दिखा देता हूँ कि आज के डेट में पबजी मोबाइल जो है क्रॉफ्टन के साथ मर्ज हो चुका है। अब उसे वो अपना सारा डेटा जो है इंडिया में या फिर क्रॉफ्टन जो है उसे हैंडल करेगा, चाहे वो पीसी वर्ज़न हो चाहे मोबाइल वर्ज़न हो। तो अभी आप ये देख लो कि पबजी मोबाइल जो है क्रॉफ्टन के साथ मर्ज हो चुका है। अब चलते हैं दूसरे अपडेट की तरफ। वो अपडेट निकल के आ रही है इंडिया न्यूज़ की तरफ कि पबजी मोबाइल जो है सबसे पहले प्ले स्टोर की बजाय अपने ऑफिशियल पेज पे अपलोड होगा और उसका जितना भी डेटा रहेगा, वो जितना भी ओबीबी फाइल होगा, जितना भी साइज़ होगा गेम का, सभी आपको प्ले स्टोर की जगह उसके ऑफिशियल पेज जो उन्होंने अभी क्रिएट किया था पबजी मोबाइल ऑफिशियल इंडिया, उस पर मिलेगा आपको सभी डेटा। तो चलते हैं तीसरे अपडेट की तरफ, उसमें क्या निकल के आता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो तीसरा अपडेट ये निकल के आता है कि पबजी मोबाइल जो है क्रॉफ्टन के साथ मिलके इंडिया में एक स्टूडियो बना रहा है जिसमें अपना सारा डेटा सेव होगा और जिसमें पबजी मोबाइल के सर्वर मेंटेन होंगे और जो भी उसमें प्रॉब्लम्स होगी वो सभी यहां से ही हैंडल हो जाएगा, जिससे हमारा डेटा बाहर नहीं जाएगा। तो तीसरा अपडेट यही निकल के आया था। अब चलते हैं हम बैड न्यूज़ की तरफ, जो कि इनसाइड स्पोर्ट की तरफ से निकल के आ रहा है कि पबजी मोबाइल जो है इंडिया में अभी कभी वापस आएगा ही नहीं, क्योंकि पबजी मोबाइल जो है इंडियन गवर्नमेंट के साथ मीटिंग प्लान कर रहा है लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है उसे कोई रिप्लाई नहीं दे रही है। तो इसका प्रूफ मैं आपको वीडियो में दिखा दे रहा हूँ ताकि आप ये ना कहो कि ये फेक वीडियो बनाता है, तो आप इसे प्रूफ के साथ देख लो। और ये भी रात में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं दिन भर जो है सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो की तरफ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।